जबलपुर नगर निगम में आज 44 पार्षदों ने शपथ ली है। ये सभी पार्षद बीजेपी के हैं, इसमें एक निर्दलीय भी शामिल है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के पश्चात 3 बसों में बीजेपी के पार्षद किसी अज्ञात स्थल पर चले गए हैं। हमने जब बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि ये भोजन के लिए जा रहे हैं। आप पीछे देख सकते हैं, ये नगर निगम का कार्यालय है जहाँ पर शपथ हुई है, और शपथ ग्रहण के बाद यहाँ पर बसें तैयार थी जिसमें 44 पार्षद जो हैं कहीं पर चले गए हैं। किसी ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया, और जब हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि वे किसी अज्ञात स्थल पर गए हैं और शायद भोजन आदि की व्यवस्था भी वहीं पर है, लेकिन उनके हाथों में बैग थी। जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि उनके लिए कहीं पर बाहर गए हों। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अचानक शपथ ग्रहण के पश्चात इन बीजेपी पार्षदों को कहीं जाने की जरूरत क्या थी। हालांकि इस बारे में हमने जी एस ठाकुर जी से सवाल करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन जिस तरह से हाव भाव दिख रहे थे उसे समझ में हमें आया कि ये पार्षद कहीं भोजन पे गए हैं, और हो सकता कोई उसमें गुप्त मीटिंग भी हो सकती है। बहरहाल अभी कोई भी जानकारी हासिल नहीं हो रही है, लेकिन इसमें वरिष्ठ पार्षद और जो भी नवनिर्वाचित पार्षद हैं सभी गए हैं। इसमें कुछ संगठन के बड़े नेता भी बस में बैठे हुए हैं, शायद व्यवस्था का वो पूरा संचालन करेंगे। जाहिर सी बात है, ऐसे वक्त में जबकि अध्यक्ष का चुनाव भी जल्द होगा, वैसे में बताया जा रहा है कि 3 दिन के लिए किसी स्थल पर गए हैं, आखिर क्यों गए हैं, इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी भी नेता ने कोई भी जवाब हमें नहीं दिया है। यानी भविष्य में अब इसकी जो पटकथा लिखी जाएगी घूमने के बाद, भ्रमण के बाद, वो सामने तस्वीरों में समझ आएगी, लेकिन फिलहाल अभी कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि वो कहां पर गए हैं। बस 3 बसों में पार्षद रवाना हुए हैं, ये हमने अपने कैमरे में भी कैप्चर किया है। कैमरा पर्सन अभी मरवाड़ी के साथ विवेक तिवारी, पंजाब टीवी, जबलपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।